एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू राइट गाइडेंस एंड एम्बिशन। माय नेम इज़ अंजलि। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट वन का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन जो है मेरे से गलती से इस टॉपिक का छूट गया था। जब मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक जो है इंपीरियलिज्म वाला और पार्टीशन वाला हम करेंगे, बट उसमें मैंने क्वेश्चन ऐड करना भूल गई थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट वन का वही एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन पार्टीशन ऑफ अफ्रीका। इसके अलावा सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हैं, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है और ये वीडियो भी मैं आपको लाइन वाइज जो है वहाँ पर ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट में। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि कई बार कमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि मेरे को यूट्यूब पे नहीं पता लगता है, क्योंकि अभी सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। डेली बेसिस पे बहुत सारी क्वेरीज, डाउट एंड कन्फ्यूजन आप लोगों के हैं जो आप लोग पूछते हो, तो इतना मुश्किल हो जाता है कई बार वीडियो भी बनाना है और सब कुछ हैंडल करना है। सो आप लोग इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करोगे तो एक बार मैसेज यूट्यूब पर छोड़ दिया करो और उसी को कॉपी पेस्ट करके इंस्टाग्राम पर भी कर लिया करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा इन्फो में। सो अगर आप वहाँ पर सेंड करोगे तो उसका ये भी एक फायदा है कि आप पिक्चर के थ्रू भी पूछ सकते हो क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन पेपर में कोई डाउट होता है, कोई वर्ड में कोई डाउट होता है, तो आप वहाँ पिक भेज के भी पूछ सकते हो। यहाँ पे मुझे आपका ऊपर जो है मैसेज दिखेगा, मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई कर दूंगी। सो यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप जाकर एक बार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर मैसेज वगैरह सेंड कर दिया करो, क्योंकि कई बार जो मैसेज है मैं नहीं चाहती कि स्किप हो मुझसे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं और मुझे पता है आप लोग बहुत डेडिकेशन से पढ़ रहे हो और मैं चाहती हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हों आपके एग्जाम से पहले। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स विद आवर टॉपिक। सो यूनिट वन का जो ये एक रिमेनिंग क्वेश्चन है, आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर पार्टीशन ऑफ अफ्रीका। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। यूरोपियंस हैड एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद अफ्रीका एज अ रिजल्ट ऑफ पोर्टुगीज डिस्कवरीज इन सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी। सबसे पहले जो यूरोपियंस है वो कब कॉन्टैक्ट में आए अफ्रीकन्स के, जब पोर्टुगीज ने क्या किया था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था मिड 15 में। इनिशियली द यूरोपियंस डिड नॉट ट्राई टू सेटल इन अफ्रीका। तो पहले तो यूरोपियंस यहाँ पे सेटल होने के लिए नहीं आए थे। वो लिमिटेड टू होल्डिंग ट्रेडिंग पोस्ट ऑन द कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट पे वो ट्रेडिंग पोस्ट यानी फैक्ट्रीज ओपन करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। फ्रॉम 1879 ऑनवर्ड्स द कोंगो बिकम द फोकस फॉर द इंक्रीजिंगली कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट फॉर द यूरोपियन स्टेट। 1879 से इन्होंने जो कॉन्गो एक कंट्री है इस पर फोकस करना शुरू किया, ताकि इसको कैप्चर करके हर यूरोपियन कंट्री चाहती थी कि वो पावरफुल हो सके, रॉ मटेरियल्स यूज़ कर सके वहाँ के अपनी कंट्री को पावरफुल करने के लिए। तो इसके लिए जो ये कंट्री है, इसके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं यूरोपियन स्टेट्स के बीच में। जैसे कि हमारे यहाँ पे फ्रांस है, ब्रिटेन है, पोर्चुगीज़ हैं, ये सारे जो थे इंटरेस्टेड थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के रॉ मटेरियल और रिसोर्सेस में। आपने हेडिंग डालनी है कॉजेस और सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट आपका पॉइंट है बैन ऑन स्लेव ट्रेड। स्लेव यानी कि गुलाम। तो इंग्लैंड ने यहाँ पर जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर अपनी आर्मी लगा के कैंपेनिंग स्टार्ट की थी कि जितना हो सके स्लेव ट्रेड को बैन करना है, और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी स्लेव ट्रेड को बैन कर दिया था। जो भी यूरोपियन कंट्री के लोग स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व थे उन्हें पनिशमेंट्स देना स्टार्ट किया। एंड नॉट ओनली दिस, इंग्लैंड ऑल्सो पेनिट्रेट इन टू इंटीरियर ऑफ अफ्रीका टू नो द सीक्रेट सेंटर्स ऑफ स्लेव ट्रेड। और इसके अलावा इंग्लैंड ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, इंटीरियर कंट्रीज है, वहाँ पर भी पेनिट्रेट कर देखा कि कहां पर स्लेव ट्रेड के सेंटर्स हैं, जहां पर गुलामों को खरीदकर यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है वहां पे भेजा जा रहा है। सेकंड पॉइंट है नेपोलियंस एक्सपीडिशन टू इजिप्ट। नेपोलियंस एक्सपीडिशन टू इजिप्ट आल्सो अट्रैक्टेड अदर यूरोपियन कंट्रीज टूवर्ड अफ्रीका। एक टाइम ऐसा था कि नेपोलियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए थे, ना कि सिर्फ यूरोप कॉन्टिनेंट पे, बल्कि उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसी चीज़ को देखते हुए जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो भी मूव हुए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ। नेपोलियंस इजिप्शियन एक्सपीडिशन क्रिएटेड डेंजर इन द इंग्लिश फॉर देयर डोमिनेंस इन द ईस्ट। अब जो नेपोलियन अपनी आर्मी के थ्रू जो कंट्रोल करते जा रहे थे पूरा एरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, इससे जो इंग्लिश यानी ब्रिटेन कंट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में थे और डरे हुए थे कि जो उनका सपना था कि पूरी दुनिया पर राज करना है, पूरी दुनिया पर डोमिनेट करना है, वो शायद नहीं हो पाएगा अगर नेपोलियन ने ये जो एरिया है वो कैप्चर कर लिया। दिस ब्रॉट इंग्लैंड एंड फ्रांस अगेंस्ट ईच अदर एंड ड्रू अदर पावर्स टूवर्ड्स इजिप्ट। इसी पॉइंट की वजह से जो इंग्लैंड एंड फ्रांस है वो दोनों एनिमी बन गए कंट्री एक दूसरे के, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे वो कब्जा कर सके।
थर्ड पॉइंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे कि हमें पता है 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज लगनी स्टार्ट हुई. सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे आई थी? इंग्लैंड में. देन धीरे धीरे बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी मशीन्स और इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप करनी स्टार्ट की. ड्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स गुड्स वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन सरप्लस क्वांटिटी. अब इतने सारे मशीन्स लगेंगे, इंडस्ट्रीज ओपन होंगी, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जा सकता है. टू सेल दी सरप्लस गुड्स द यूरोपियन कंट्रीज नीड न्यू मार्केट. अब इन सामान को बेचने के लिए यूरोपियन कंट्रीज को नए मार्केट की जरूरत थी. दे फाउंड इन अफ्रीका गोल्डन चांस टू सेल दी सरप्लस गुड. तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उन्हें गोल्डन चांस लगा कि अगर वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लेते हैं तो अपना बनाया हुआ सामान वहाँ पर बेचकर वो अपनी कंट्रीज को बेनिफिट पहुँचा सकते हैं. एंड दिस फैक्टर फैसिलिटेट द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लेसेस एंड मार्केटिंग सेंटर्स इन अफ्रीका. और इसी फैक्टर की वजह से नई मार्केट्स और नई प्लेसेस जो है वो खोजी गई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे. नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है टू प्रीच क्रिश्चियनिटी. द रिलीजियस मिशनरीज ऑफ क्रिश्चियनिटी वेंट टू द बैकवर्ड एंड अनसिविलाइज्ड अफ्रीका टू स्प्रेड देयर रिलीजन एंड कल्चर. अब यहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए मिशन स्टार्ट किए गए थे. उनको लगता था कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये बहुत ही अनसिविलाइज्ड है, यानी कि यहाँ पर कोई भी सभ्यता नहीं है, ये बहुत ही बैकवर्ड लोग हैं, और यहाँ पर वो लोग जो है अपनी क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर सकते हैं, ज़्यादातर लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस फैक्टर लेड टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ अफ्रीका एंड इट्स स्क्रैम्बल. इसी वजह से जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसको और ज़्यादा डिस्कवर किया गया, नई प्लेसेस खोजी गई, और इसी की वजह से जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है बाद में जाके डिवाइड हुआ काफ़ी सारी कंट्रीज में. नेक्स्ट पॉइंट ग्रोथ ऑफ नेशनल फीलिंग एंड नेशनल स्टेट्स. बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनल फीलिंग एंड राइज ऑफ द नेशनल स्टेट देयर वॉज लिटिल स्कोप फॉर यूरोपियंस फॉर पोलिटिकल एक्टिविटीज विद इन यूरोप. अब यहाँ पर जो नेशनल फीलिंग है अपने देश के प्रति, अपनी सभ्यता, अपनी रिलीजन, अपने लैंग्वेज के प्रति जो प्यार होता है उसको नेशनल फीलिंग कहते हैं, अपने नेशन के प्रति प्यार होना. अब ये जो फीलिंग थी ये धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका चांस बहुत कम था कि वो अपनी पोलिटिकल एक्टिविटीज एक्सपीडिशन कर पाएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे. एम्पायर बिल्डिंग वॉज नो लॉन्गर अ पोलिटिकल प्रपोजिशन इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. सो ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज वेंट इन सर्च ऑफ कलोनीज टू अफ्रीका टू बिल्ड अप देयर एम्पायर्स. अब यहाँ पर एम्पायर तो देखो एस्टैब्लिश नहीं हो सकता कि पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट किसी एक ही कंट्री के अंदर आ जाए, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि हमें पता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है और वहाँ पर ट्राइबल एरिया के लोग रहते थे एक टाइम पर, जिस टाइम पर ये चैप्टर की बात कर रहे हैं उस टाइम पर उनकी जो सभ्यता थी, उनकी लैंग्वेज थी, वो बहुत डिफरेंट थी. तो एम्पायर तो देखो बिल्ड नहीं हो पाएगा कि पूरा कॉन्टिनेंट एक ही कंट्री के अंडर आ जाए, बट हाँ ये हो सकता है कि वहाँ पे कॉलोनीज बनाई जा सकती हैं. कॉलोनीज का मतलब एक स्मॉल पार्ट आप कैप्चर कर लो, वहाँ पे इंडस्ट्री ओपन कर लो, वहाँ पे अपना रॉ मटेरियल वहाँ से लो, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वहाँ पे जो है सेल आउट करो. तो इस तरीके से हर एक जो पावरफुल कंट्री थी यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे उन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल वैनिटी एंड प्रेस्टीज. नेशनल वैनिटी गिव राइज टू द आइडिया दैट नेशनल प्रेस्टीज वॉज इंटरलिंक्ड विद हैविंग अ कॉलोनियल एम्पायर अब्रॉड एंड दिस ऑल्सो इंस्पायर द यूरोपियन नेशन टू गो फॉर द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका एंड सेटअप देयर कॉलोनीज देयर. अब यहाँ पर क्या था ना, एक टाइम ऐसा था कि कॉलोनियल पावर जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, यानी कि दुनिया में जितनी आपकी कॉलोनीज होंगी उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट या प्रेस्टीज बढ़ेगी, क्योंकि उन कॉलोनीज को यूज़ करके उनका रॉ मटेरियल, उनका पैसा आप अपनी कंट्री को पावरफुल कर सकते हो. तो यही कॉन्सेप्ट जो था एक टाइम पे इतना फेमस था कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इन लोगों ने धीरे धीरे करके कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था. और इनका माइंडसेट यही था कि जितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ हमारी अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट पे होगी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज इंक्रीज़ होगी इन यूरोपियन कंट्रीज़ की. नेक्स्ट आपका पॉइंट है अफ्रीका बींग अ सेंटर ऑफ पर्ल्स एंड अदर रिसोर्सेज. अफ्रीका वॉज रिच इन पर्ल्स, जेम्स एंड अदर रिसोर्सेज. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कीमती मोती, रॉ मटेरियल और जो डायमंड्स हैं वो पाए जाते हैं. दिस टेम्प्टेड द यूरोपियन नेशन टू प्रोक्योर दीज रिचेस एंड सो दे वेंट टू द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका. यही एक कारण है जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज इंटरेस्टेड हुए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में. कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड एस्टैब्लिश्ड प्लांटेशन इन द कॉलोनीज टू मैच द डिमांड फॉर रॉ मटेरियल इन यूरोप लाइक कॉटन, टोबैको, कॉफी एंड शुगर. कॉन्टिनेंट के लोगों को लगा कि अपने लोगों की जो डिमांड्स है उसको पूरा वो कैसे कर सकते हैं, इन कॉलोनीज़ को कैप्चर करके वहाँ पर वो अपने जो कंट्रीज़ की डिमांड है उसको ग्रो करेंगे. जैसे उनकी कंट्रीज़ में किस किस चीज़ों की डिमांड थी, कॉटन, टोबैको, कॉफ़ी, शुगर, ये सारी चीज़ें जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे ग्रो कर सकते हैं और उसको वापस अपनी कंट्री में भेज के अपने लोगों की डिमांड्स जो है वो पूरी कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका एट्थ पॉइंट है मिलिट्री माइट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूरोप कंसिडर्ड देमसेल्फ स्ट्रांग एंड पावरफुल फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू. अब जितनी भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे कंट्रीज थी वो सब अपने आप को मिलिट्रली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मानती थी. सो टू डिस्प्ले देयर मिलिट्री माइट
right? And to fulfill their ambition, they went in the continent of Africa to set up their colony there. अब अपनी power दिखाने के लिए, अपनी prestige दिखाने के लिए कि वो कितने strong है दूसरों से, उन्होंने colonies बनाना start किया African continent पे. ये भी एक reason है कि उनकी इतनी ज़्यादा strong military थी कि दूसरों को दिखाने के लिए कि हम कितने ज़्यादा militarized हैं, हमारे पास कितने strong weapons हैं कि हम जो है किसी area को capture कर सकते हैं. तो आपका point है exploration and adventures among the European countries. The exchange for exploration and adventure among the European countries was an additional incentive to expansion. अब जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो चाहती थी कि वो एक्सपैंड करें. एक्सपैंड करके मतलब यहाँ पर नई नई चीज़ों को खोजें, जो न्यू रॉ मटेरियल्स हैं दुनिया में, जो न्यू कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि वो बहुत ही सिविलाइज्ड और लिटरेट लोग हैं. तो वो चाहते थे कि वो एक्सप्लोर करें और दुनिया को. इंस्पायर्ड देम टू एक्सप्लोर डिफरेंट हिडन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड गो फॉर इट्स स्क्रैम्बल लेटर ऑन. तो इसी की वजह से जो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने नई नई जगहें जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे एक्सप्लोर की, वहाँ पर जाके अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स या सेंटर्स ओपन किए और धीरे धीरे करके उसको कॉलोनलाइज्ड जो है वो कर लिया. नाउ लास्ट आपका 10th पॉइंट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द यूरोपियन स्टेट नेसेसिटेट कॉलोनीज वेयर द सरप्लस पॉपुलेशन कुड बी ट्रांसफर्ड एंड विद दिस एम दे पेनिट्रेट इन टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ अफ्रीका. अब एक टाइम ऐसा था कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हो गई थी. अब इतनी सारी पॉपुलेशन को जॉब्स प्रोवाइड करना, हाउसेस प्रोवाइड करना, उनकी बेसिक डिमांड्स जो है वो पूरी करना बहुत मुश्किल हो रहा था. तो इसीलिए उनको और ज़्यादा कॉलोनीज चाहिए थे जहाँ पर वो अपने कंट्री के लोगों को सेटल डाउन कर सके, उनकी डिमांड्स पूरी कर सके, उनको जॉब्स दिला सके. हेडिंग डालनी है रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस. फर्स्ट आपका पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन टेरेटरीज. एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ अफ्रीका ऑलमोस्ट ऑल द यूरोपियन स्टेट एक्सपैंड देयर टेरेटरीज. अब यहाँ पर जब अफ्रीका डिवाइड हो गया, उसका पार्टीशन हुआ, तो क्या रिजल्ट देखने को मिला कि हर यूरोपियन कंट्री ने वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाई, जिसकी वजह से उनकी टेरिटरी इंक्रीज हो गई. नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है इम्पिटस टू द बिग इंडस्ट्रीज ऑफ यूरोप. ऑक्यूपेशन ऑफ वास्ट टेरिटरीज इन अफ्रीका गिवन इम्पिटस टू बिग इंडस्ट्रीज ऑफ यूरोप. अब एक टाइम पर जब उन्होंने इतनी सारी कॉलोनीज वहाँ पे बना ली, तो वहाँ से रॉ मटेरियल जब वो अपनी इंडस्ट्री में लेके आए, तो बहुत ही बेनिफिट हुआ उस कंट्री को और उन्होंने और ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन करनी स्टार्ट की. फ्रॉम द ऑक्यूपाइड कंट्रीज रॉ मटेरियल वर सेंट. वहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल जो है अपनी कंट्रीज में भेजना स्टार्ट किया. एट द सेम टाइम इन द ऑक्यूपाइड कंट्रीज वाइड मार्केट वर फाउंड फॉर पुशिंग द मैनुफैक्चर्ड गुड. एक तो वहाँ से रॉ मटेरियल लिया, उसको अपनी इंडस्ट्रीज में मैनुफैक्चर किया, फिर जो मैनुफैक्चर्ड गुड्स हैं उसको वापस से ले जाके उन कंट्रीज में बेचा ताकि उनको बेनिफिट हो सके. आपका थर्ड पॉइंट है इट्स स्ट्रेन द रिलेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज. द पार्टीशन वॉज नॉट पीसफुल अफेयर. देर वॉज नो वॉर अमंग द यूरोपियन पावर्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ पार्टीशन, येट ऑन वेरियस इशूज देयर रिलेशन गॉट मच स्ट्रेन्ड. अब यहाँ पर जो पार्टीशन हुआ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, वो इतना पीसफुल नहीं था. अब यहाँ पर देखो वॉर तो डायरेक्ट कोई देखने को नहीं मिली है, बट फिर भी जो इशूज थे, जो कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, जो एक दूसरे कंट्रीज ने एक दूसरे के खिलाफ टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, वो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल थे या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे. द पार्टीशन दस क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ फियर जेलसी हेटेड द प्रिवेल्ड इन यूरोप ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. अब इस पार्टीशन की वजह से कंट्रीज ने एक दूसरे से नफरत करना स्टार्ट कर दिया, एक डर का माहौल क्रिएट हो गया कब कोई किसी की कॉलोनी पे अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड वॉर वन जो है अल्टीमेटली फिर देखने को मिला. आपका फोर्थ पॉइंट है अफ्रीका बिकम सिविलाइज्ड विद द पेनिट्रेशन ऑफ द यूरोपियंस इन द डार्क कॉन्टिनेंट. द वेल्स वॉज लिफ्टेड एंड हर इंडिजीनियस पीपल कम इन कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड बिकम सिविलाइज्ड. अब जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज ने एंट्री ली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनाई, तो जो भी वहाँ पर अंधकार था, यानी ईवल प्रैक्टिसेस जो हो रही थी धर्म के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पर, वो लोग गलत प्रैक्टिसेस कर रहे थे जो कि इंसानियत के खिलाफ थी, वो सारी चीज़ों को बंद करवाया गया. और जो इंडिजीनियस पीपल थे, वहाँ के लोकल लोग थे, वो वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न कल्चर के कॉन्टैक्ट में आए. कह सकते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो लोग थे वो सिविलाइज्ड यानी सभ्यता वाले हो गए, उन्होंने सोच समझ कर चीज़ों को करना स्टार्ट किया वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न कंट्रीज के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनीज. द इंपीरियलिस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप फुली एक्सप्लॉयटेड देयर कॉलोनीज इन अफ्रीका बाय ड्रेनिंग अवे their resources and wealth to their own countries. European countries हैं, उन्होंने African continent पे बनाई हुई colonies को पूरा exploit किया, यानी अपनी country के benefit के लिए उनको इस्तेमाल किया. They purchased raw material from these colonies at a cheaper rate. उन्होंने वहाँ से raw material बहुत ही सस्ते दामों पे खरीदा, उसको अपनी जो कंट्री है जहाँ पे इंडस्ट्रीज है वहाँ पर भेजा, उसको मैन्युफैक्चर किया और दोबारा से मैन्युफैक्चर गुड्स जो है उस कंट्री में बेचने के लिए भेज दिए. तो इस तरीके से उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया उन कॉलोनीज का. नेक्स्ट आपका सिक्स पॉइंट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. द यूरोपियंस कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज सुपीरियर रेस विच कुड रूल ओवर द इंटीरियर ब्लैक रेस ऑफ अफ्रीका. अब यूरोपियंस का ये मानना था कि वो दिखने में वाइट हैं तो वो रूल करेंगे ब्लैक लोगों पर. ब्लैक लोग जो वो अनसिविलाइज्ड है और वो लोग सिविलाइज्ड है, तो भगवान ने उन लोगों को उनको सिविलाइज्ड करने के लिए भेजा
ये उनकी ड्यूटी है. तो एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टार्ट हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया उन्होंने लोगों के बीच में. द यूरोपियंस बिलीव दैट दे हैड अ मॉरल राइट एंड ड्यूटी टू डोमिनेट ओवर द अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सुपीरियरिटी. उन्होंने माना कि कलर के बेसिस पे वो लोग उनसे सुपीरियर है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उनको ठीक करें, उनको सिविलाइज्ड करें और वो उनसे ज़्यादा सुपीरियर है. दे केप्ट देमसेल्फ अलूफ फ्रॉम द इन्फीरियर रेसेस ऑफ अफ्रीका विच कॉज ग्रेट एंग्विश एंड ह्यूमिलेशन टू देम. दिस लेड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. इसीलिए वो अपने आप को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उनसे दूर रखते थे, जिसकी वजह से उन लोगों के बीच का जो गैप है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ. आपका सेवन्थ पॉइंट है, इट लेड टू स्लेव ट्रेड. इंपीरियलिस्ट कंट्रीज नॉट ओनली रोब्ड फ्रॉम द अफ्रीकन कॉलोनीज ऑफ देयर रिसोर्सेज एंड वेल्थ बट ऑल्सो कैप्चर्ड देम एज बीस्ट एंड सोल्ड देम एज स्लेव इन द वर्ल्ड मार्केट. इंपीरियलिस्ट कंट्रीज जिन्होंने यहाँ पे कॉलोनीज बनाई उन्होंने ना ही यहाँ का रॉ मटेरियल और वेल्थ इस्तेमाल किया बल्कि यहाँ के लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया, इनको वर्ल्ड मार्केट में जाके जो है बेचा, स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया. ऑल्सो इंडल्ज्ड इन दिस. तो इंग्लैंड कंट्री भी इसमें इन्वॉल्व थी जो अपने आप को बहुत ही सिविलाइज्ड और लिटरेट कंट्री मानती थी उस टाइम पे. दिस कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ सफरिंग एंड एगोनी टू द अफ्रीकन्स एंड थ्रेटन देयर वेरी एग्जिस्टेंस. स्लेव ट्रेड की वजह से अफ्रीकन लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया और उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया यूरोपियन कंट्रीज ने. नेक्स्ट आपका पॉइंट है, लॉस ऑफ लिबर्टी ऑफ द अफ्रीकन्स. द पार्टीशन ऑफ अफ्रीका लेड टू द लॉस ऑफ द लिबर्टी ऑफ द अफ्रीकन पीपल. With unparalleled speed, the imperialist section of Europe captured the whole of the continent of Africa and reduced them to slave. African continent को divide करने की वजह से वहाँ के जो लोगों की unity है वो टूट गई और उसकी वजह से वो लोग जो है unite होकर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी liberty, उनकी आज़ादी उनसे छीन ली गई और जो भी European countries वहाँ पर थे उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को धीरे धीरे कॉलोनलाइज्ड करना स्टार्ट कर दिया और उन लोगों को स्लेव्स यानी जो वहाँ पर गुलाम है वो बनाना स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट आपका लास्ट नाइन्थ पॉइंट है, पेव द वे फॉर द वर्ल्ड वॉर वन. द पार्टीशन ऑफ अफ्रीका अमंग द यूरोपियन कंट्रीज पेव द वे फॉर द वर्ल्ड वॉर वन. द मैड रेस फॉर एक्वायरिंग मोर एंड मोर कॉलोनीज इन अफ्रीका स्ट्रेन द रिलेशन बिटवीन द इंपीरियलिस्ट कंट्री सो दैट इट फाइनली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर उसको अपनी कॉलोनी बनाना ये एम्बिशन बन गया था हर एक यूरोपियन कंट्री का, जिसकी वजह से उनके बीच में मैड रेस स्टार्ट हो गई कि कौन कितनी कॉलोनीज जो है वो एस्टैब्लिश करेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, जिसकी वजह से जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनके बीच के रिलेशन जो थे वो बहुत ही खराब हो गए. मैड रेस स्टार्ट हो गई यूरोपियन कंट्रीज के बीच में कौन कितनी कॉलोनीज जो है वो एस्टैब्लिश करेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, जिसकी वजह से उनके जो रिलेशंस हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के आपस में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए और यही एक रीज़न आगे चल के हमें फिर देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर वन में. तो वर्ल्ड वॉर वन में भी यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी अपनी कॉलोनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में लड़ रहे थे. एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 lines एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो, इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कॉन्क्लूजन लिखना है इस मस्ट. आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस प्लीज़ कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे.